हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में जो नई सीरीज़ में आप शुरू करने जा रहा हूँ वो है सीक्वेंसेस। रियल एनालिसिस में हमने रीमन इंटीग्रेशन और टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, तो आज का जो फर्स्ट वीडियो सीक्वेंस का है, इस वीडियो में हम सीक्वेंस के बारे में देखेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है, और इसके साथ साथ देखेंगे कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, बाउंडेड अबव कब होता है, बाउंडेड बिलो कब होता है। तो पहला लेक्चर है सीक्वेंस का, ध्यान से समझिए सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस की अगर बात करें, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन एफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बस, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन। अगर आप सिर्फ इतना समझ लें तो आपको पूरा फंक्शन, सॉरी पूरा जो सीक्वेंस है वो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन कहाँ से, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर कोई फंक्शन नेचुरल नंबर्स से रियल नंबर्स में मैपिंग कर रहा है, उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो फंक्शन का एक सीक्वेंस है। यानी कि सीधा सीधा हम ये कहेंगे, किसी भी फंक्शन में अगर डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और जो रेंज हमारा जो निकल के आ रहा है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो उस केस में हम इस फंक्शन में जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम बात करें, अच्छा सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर एफ एन कोई सीक्वेंस है तो इसको आप या तो इस तरीके से लिखेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट, या तो इस फॉर्म में होगा या फिर कर्ली ब्रैकेट में भी लिखा हो सकता है। तो किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इन दोनों में से कोई भी तरीका आप देख लीजिए, बुक में दोनों में से कोई तरीका आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वन अपॉन एन कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो आप इसमें देखिए n की नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ रखते रहिए आप, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। आप देखिए जो हम ये जो सीक्वेंस हमने लिया है, इस सीक्वेंस में हम जो वैल्यूज़ रख रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स, यानी कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने n की जगह पे पहले 1 रखा क्योंकि 1 नेचुरल नंबर होता है, फिर 1 की जगह पे n की जगह पे 2 रखा, वो भी नेचुरल नंबर होता है, फिर n की जगह पे 3 रखा। लेकिन आप देखिए जब हमने n की नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ रखी, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 रियल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हम हमारे एक पर्टिकुलर पैटर्न में निकल के आ रहे हैं, तो इस केस में इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ सीक्वेंस। क्यों है, क्योंकि नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स में मैपिंग कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है -1 की पावर n, इसमें भी आप नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ रखते रहिए तो आपको मिल जाएगा -1, फिर 1, फिर -1 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस का मतलब आपको समझ में आया कि अगर कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो नेचुरल नंबर्स से रियल नंबर में मैपिंग कर रहा है, या जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है और जो रेंज है वो रियल नंबर्स का सबसेट निकल के आ रहा है, तो उस केस में उस फंक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। इस तरीके से आप और भी काफ़ी एग्जांपल्स बना सकते हैं जिसमें डोमेन तो नेचुरल नंबर्स होगी लेकिन जो आंसर्स निकल के आएंगे इट मे बी रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर। अगर इसमें जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है बार बार नेचुरल नंबर ही निकल के आ रहा है, तो उस केस में भी हम उसको सीक्वेंस बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो भी रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यूज़ रखनी है, डोमेन जो आपका है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है बस। अब देखते हैं बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होता है और बाउंडेड बिलो कब होता है। मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, अ सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस का सिंबल मैंने अभी आपको बताया, इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ अ रियल नंबर के सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए एन शुड बी लेस देन इक्वल टू के। इसका मतलब यह है कि कोई भी सीक्वेंस आपको दिया हुआ है ए एन, इस सीक्वेंस को आपने एक्सपेंड किया और देखा इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, अगर ये पूरा सीक्वेंस जो आपने बनाया है ये किसी पर्टिकुलर रियल नंबर से, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, बाकी जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस नंबर से छोटे आ रहे हैं, यानी कि ये जो सीक्वेंस है
इसके जितने भी नंबर्स, जितने आंसर थे ए एन के, वो सारे के सारे नंबर या तो के इक्वल हैं या फिर उससे छोटे आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की वैल्यू के से बड़ी नहीं है। तो ये ऊपर के साइड से बाउंडेड हो गया, राइट साइड से बाउंडेड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बाउंडेड अबव। और ये जो ऊपर के साइड से बाउंडेड अगर है, राइट साइड से बाउंडेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी अपर बाउंड। तो ये हो गई इसकी अपर बाउंड। बाउंडेड अबव में क्या होगा कि सीक्वेंस जो होगा उसमें सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर रियल नंबर के इक्वल या उससे छोटे आएंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट आप समझ रहे होंगे बाउंडेड बिलो में क्या होगा कि कोई भी सीक्वेंस में अगर हर एक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रियल नंबर के से बड़े या उसके इक्वल हैं, यानी कि इसका, इस ए एन का कोई भी एलिमेंट इससे छोटा नहीं आ सकता, तो इसको लेफ्ट साइड से इसने बाउंड कर दिया, तो ये सीक्वेंस इस केस में क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो ये जो के इस केस में आ रहा है, इस के को हम क्या बोलेंगे, इसकी लोअर बाउंड। ये सीक्वेंस की क्या हो गई, लोअर बाउंड हो गई। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होगा, बाउंडेड बिलो कब होगा, ये आपको समझ में आया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड बिलो होगा ही होगा, या ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड अबव भी होगा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में ये कहा जा रहा है कि चेक द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर बाउंडेड और नॉट, तो अगर आपको किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो बाउंडेड है या नहीं है, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि वो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए प्लस बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। अगर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो उस केस में आप उस सीक्वेंस को बाउंडेड नहीं बोलोगे। तो कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब वो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। बाउंडेड अबव में क्या था कि सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रियल नंबर से छोटे आएंगे, और बाउंडेड बिलो में क्या था कि वो लेफ्ट साइड से बाउंड होगा, यानी कि उसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे, पर्टिकुलर एक रियल नंबर से बड़े आ रहे होंगे, तो उस केस में उसको हम बाउंडेड बिलो कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सीक्वेंसेस में किस केस में हम उसको बाउंडेड अबव बोलेंगे या कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है या नहीं है। इसको आपको और डिटेल से समझने में आपको आसानी होगी, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। जैसे बात करें एन स्क्वायर की, क्योंकि सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम एन की वैल्यू नेचुरल नंबर के अलावा कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। तो अगर इस एन स्क्वायर को हम एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करके क्या बनेगा, पहली वैल्यू 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर रियल नंबर 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इससे छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब हेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एन की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप रख रहे हो, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट 1 के इक्वल या उससे फिर क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड से बाउंडेड है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर एन इज बाउंडेड, क्योंकि लेफ्ट साइड से बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अब इसके आप देखिए हायर वैल्यू जो है, ये सीक्वेंस क्योंकि इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो कोई भी इसकी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से ये छोटे ही आएंगे आएंगे, ऐसा आप यहाँ पे नहीं कह सकते हो। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है एन इज नॉट बाउंडेड अबव। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो तो है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर रियल नंबर से बड़े आ रहे हैं, और क्योंकि इसकी कोई हायर वैल्यू हमको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो इट मींस इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने और लिखे हुए हैं, वन बाय वन देखते हैं हर एक सीक्वेंस में कि कौन कौन से सीक्वेंसेस बाउंडेड हैं और कौन कौन से सीक्वेंसेस नहीं हैं। तो पहला देखिए, ये जो सीक्वेंस है 1/n, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। आप देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि हर एक वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जा रही है और डिक्रीज होते जा रही है, तो जो सीक्वेंस है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इसका मतलब 1 से बड़ी इसकी वैल्यू हमको नहीं मिल रही है, तो इट मींस एन इज बाउंडेड अबव हो जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड हमको इसको इसकी मिल गई है। अब जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो इन्फिनिटी जब इसमें रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि इस सीक्वेंस की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 1 है,
और जो सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। जो सीक्वेंस है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू वन, सबसे छोटी वैल्यू जीरो, तो आप देखिए कि फंक्शन की जो अपर बाउंड है वो भी मिल रही है और जो सीक्वेंस की लोअर बाउंड है वो भी मिल रही है। यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन ना लगाएं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करते हैं तो उस केस में हम इक्वल नहीं रखते हैं, उसको टेंडिंग लिमिट आती है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसकी अपर बाउंड भी मिल रही है और लोअर बाउंड भी मिल रही है, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल रही है, तो बाउंडेड अबव भी हो जाएगा और बाउंडेड बिलो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बिलो दोनों होता है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड को देखते हैं, इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर माइनस वन आएगा, फिर वन आएगा, एंड सो ऑन। आप देखिए इस सीक्वेंस को देखने से आसानी से पता लग रहा है कि सीक्वेंस की दो ही वैल्यूज़ हैं, एक तो प्लस वन और एक है माइनस वन। तो सीधा सीधा क्लियर है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसकी बड़ी वैल्यू वन है और छोटी वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो बाउंडेड बिलो भी हो गया और बाउंडेड अबव भी हो गया, तो ये सीक्वेंस इस केस में क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। थर्ड, यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसमें वैल्यू रखते हैं, पहले वन रखेंगे तो ये आएगा जीरो, फिर टू रखेंगे तो कितना आएगा, टू आ जाएगा, फिर थ्री रखेंगे जीरो, एंड टू, एंड सो ऑन। फिर क्लियर है यहाँ पे कि जो सीक्वेंस है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू टू और सबसे छोटी वैल्यू जीरो, ये इसकी अपर बाउंड हो गई और ये हो गई इसकी लोअर बाउंड। इसका मतलब बाउंडेड अबव भी हो गया और बाउंडेड बिलो भी हो गया, तो इट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। तो अब आपको काफ़ी इजीली ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड हम कब बोलेंगे, जब वो दोनों साइड से बाउंड होना चाहिए। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान देनी है जो मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रीमन इंटीग्रेशन में भी हमने देखा था कि अगर जैसे सपोज कोई सीक्वेंस है उसकी अपर बाउंड भी हमको मिल गई, लोअर बाउंड भी मिल गई, सिर्फ इतने पे अगर हम फोकस करें कि, और सपोज पी के बाद अगला नंबर आर है, यानी कि जो पी है वो आर से छोटा है, तो इस इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ए एन लेस देन इक्वल लेस देन आर भी हम लिख सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज नंबर लाइन के थ्रू मैं देखूं ए एन, यहाँ पे ए एन एक सीक्वेंस है जिसकी सबसे बड़ी वाली जो सबसे अपर बाउंड है वो पी है, सबसे छोटी बाउंड क्या है, क्यू है। अब पी के बाद जितने बड़े नंबर्स आएंगे वो भी इस सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड का काम करेंगे, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू से भी ये छोटी वैल्यूज आएंगी। ऐसे लोअर बाउंड्स में क्या होगा, क्योंकि ये इसकी लोअर बाउंड थी, इससे छोटी जितनी वैल्यूज होंगी वो भी इसके लिए लोअर बाउंड्स का काम करेंगे। लेकिन ये जितनी अपर बाउंड्स आ रही हैं इन सारी अपर बाउंड्स में जो लीस्ट अपर बाउंड होगी, लीस्ट अपर बाउंड जो होगी उसी को हम बोलते हैं सुप्रीमम। हालांकि ये मैं आपको पहले के वीडियोस रीमन इंटीग्रेशन में भी बता चुका हूँ, और जितनी ये छोटी वैल्यूज आ रही हैं इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जितनी लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, प्रीवियस वीडियोस में रीमन इंटीग्रेशन के वहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सुप्रीमम और इन्फीमम भी आप समझ सकते हैं अगर आपको लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स भी समझ में आ गई है। तो सीक्वेंस की जो अगली वीडियोस हैं जल्दी जल्दी मैं आपके सामने लाते रहूँगा, तो इस सीक्वेंस के टॉपिक को ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।